वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया ट्रेडिंग कर रहा है 9.70 पे। तकरीबन आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी रैली गिरी, फिर से यहाँ पे गिरावट नजर आ चुके। तकरीबन गैप अप से ओपन हुआ था वोडाफोन आइडिया स्टॉक और एक अच्छी रैली गिरी, फिर भी यहाँ पे 10 लेवल पे जाके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा। रेजिस्टेंस लगते यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट लगी और जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे आके ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया है। तकरीबन अभी भी 2% अप है वोडाफोन आइडिया स्टॉक। मीन्स तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए तो लास्ट 5 डेज में 7% से ज्यादा गिरावट हो चुकी है, और 1 मंथ की बात किया तो 1 मंथ में 10% की ज्यादा गिरावट हो चुके। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सी वोलेटिलिटी देखने को मिली है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर। फिर से यहाँ पे देखा जाए तो जो 10 लेवल है इसको ब्रेकआउट दिया है 10 लेवल को कल के दिन में वोडाफोन आइडिया स्टॉक ने। तो करंटली अभी 10 लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए। रिसेंटली ऊपर जाता है जो 10 लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सेटल होता है तो 11 लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन 11 लेवल ने यहाँ पे 1 मंथ के अंदर कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले ही चुका है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक 11 लेवल का। तो करंटली वोडाफोन आइडिया स्टॉक का यहाँ पे डिटेल में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली 200 मूविंग एवरेज जो है ब्लू कलर का लाइन उसके नीचे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया है। तकरीबन वहां से आप देख सकते हैं कि नीचे भी आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8.52 8 लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल रह सकते हैं। तकरीबन 9 लेवल से बाउंस बैक होने के भी चांसेस दिखाई दे सकते हैं। करंटली ऐसे ऊपर जाता है तो 200 मूविंग एवरेज भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम कर सकता है वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए।